नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान एंड टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड लर्निंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर TTC एंड LRDC जोधपुर द्वारा स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवाए जा रहे ई लेक्चर्स में मैं आज अदिति चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट, सब्जेक्ट कोड EE 206, सेकेंड ईयर के DC जनरेटर्स टॉपिक में लैप एंड वेव वाइंडिंग पर आज यह लेक्चर दे रही हूँ। लैप एंड वेव वाइंडिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स। हमने DC जनरेटर का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था, और उसमें आर्मेचर्स की बात की थी और आर्मेचर स्लॉट्स में जो वाइंडिंग्स थी, अब ये उसी के पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स आर लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। पहले देखते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग इज द वाइंडिंग इन विच सक्सेसिव कॉइल्स ओवरलैप ईच अदर। इट इज नेम्ड लैप वाइंडिंग बिकॉज इट डबल्स और लैप्स बैक विद इट्स सक्सीडिंग कॉइल्स। लैप वाइंडिंग एक इस तरह की वाइंडिंग है जिसमें एक कॉइल के बाद जो दूसरी कॉइल होगी वो पहली वाली के ऊपर आके ओवरलैप करती हुई बनेंगी। यह स्टार्ट होके, एंड होके और वापस से लैप्स बैक करेगी और फिर दूसरा सेकेंड टर्न इस कॉइल का शुरू होगा। इस तरह से यह वाइंडिंग बनती है। इन दिस वाइंडिंग द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू वन कम्यूटेटर सेगमेंट। एक कॉइल स्टार्ट हुई, फिगर में हम देखेंगे कि एक कॉइल स्टार्ट हुई और एक कम्यूटेटर सेगमेंट पे वो ख़त्म हुई। अब जो सेकेंड टर्न के लिए जो कॉइल आएगी, तो उसका जो स्टार्टिंग एंड है, द स्टार्टिंग एंड ऑफ द नेक्स्ट कॉइल इज सिचुएटेड अंडर द सेम पोल एंड कनेक्टेड विद द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। फिगर में देखते हैं, ये चीज़ हमें ढंग से क्लियर हो जाएगी। यह कॉइल है, यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वन कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ में हुई। यह ऐसे कॉइल वन गई और यह जो डॉटेड पार्ट है यह एंडिंग पार्ट है। क्या लिखा है? फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल का जो फिनिशिंग एंड है कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट पर आ रहा है? टू पे। अब जो हमने बात की थी कि कॉइल वापस ओवरलैप करती है या फिर लैप बैक करती है, तो अब जब नेक्स्ट टर्न करना होगा तो सेम पोल एन के नीचे से ही ये वाली जो आप पूरी लाइन वाली कॉइल का टर्न देख रहे हैं, कॉइल टू, वह इसी कम्यूटेटर सेगमेंट के नंबर दो से शुरू हुई है और सेम पोल के अंडर है और उस तरह से फिर आगे बढ़ी है। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द फिनिशिंग एंड ऑफ कॉइल वन, कौन सा? यह डॉटेड वाला फिनिशिंग एंड है फर्स्ट कॉइल का। एंड स्टार्टिंग एंड ऑफ कॉइल टू, ये जो कॉइल टू है इसका स्टार्टिंग एंड कौन सा? यह वाला जो फुल ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। दे आर बोथ कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट टू। इस टू नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है एंड बोथ कॉइल्स आर अंडर द सेम मैग्नेटिक पोल, दैट इज नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल के अंडर है। यह बेसिक कंसेप्ट है लैप वाइंडिंग का। इस कॉइल में यह स्टार्टिंग और फिनिशिंग होते हैं दो, इनको हम कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर एक और ये दूसरा। एक कॉइल में दो कंडक्टर्स हैं। अब देखते हैं, लैप वाइंडिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और दूसरी है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अ वाइंडिंग इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन द ब्रशेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इज कॉल्ड द सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। हमने ये देखा था कि पोल्स होते हैं, फिर कम्यूटेटर होता है, उसके ऊपर ब्रशेस होते हैं और वो ब्रशेस आर्मेचर कॉइल से करंट कैरी करते हैं। अब ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है ब्रशेस के बीच में, अगर वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हुए तो उसे हम सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और एक कॉइल का टर्न आया है और एक ये सेकेंड कॉइल का टर्न आया है।
मतलब इन दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में दो पैरेलल पास बन गए, एक बन गया और एक ये दूसरा बन गया। जितने के नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही कॉइल्स की वजह से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बने हैं, तो यह है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सेकेंड इज डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अ वाइंडिंग इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन द ब्रशेस। कम्यूटेटर पे जो ब्रशेस होते हैं उनके बीच की जो पैरेलल पाथ्स हैं, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स। मतलब जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं वह नंबर ऑफ पोल्स से डबल है, तो वह क्या होगा? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब इसे देखते हैं, यहाँ से नॉर्थ पोल के अंडर और कम्यूटेटर सेगमेंट वन से यह कॉइल स्टार्ट हो रही है और फिर यह ख़त्म नहीं होके इसने एक और टर्न लिया है, फिर यह फिनिश हुई है। फिर लैप में क्या होता है कि ये जहाँ फिनिश हुई है कॉइल वन कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर दो पे, वहीं से जो सेकंड कॉइल है जो कि अब ब्लू से दिखाई गई है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होता है कि पहली वाली को जो फिनिशिंग एंड है, दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग एंड उसी कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है लैप वाइंडिंग में। और डुप्लेक्स में क्या हुआ कि इस ये ब्लैक से जो डिनोट की हुई कॉइल है वो एक राउंड के बाद ख़त्म नहीं, उसने एक और राउंड बनाया, फिर फिनिश हुई। फिर जो सेकंड कॉइल है टू से स्टार्ट हुई ब्लू कलर से, उसने एक टर्न लिया, एंड नहीं हुई, उसने भी एक और टर्न लिया इसी पोल के अंडर और फिर कम्यूटेटर सेगमेंट थ्री पे वो ख़त्म हुई। तो अब देखिए कि यहाँ पोल्स कितने हैं, दो, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और इनमें पैरेलल पास कितने बन गए, वन टू थ्री और फोर। तो दो पोल्स थे और नंबर ऑफ पैरेलल पास कितने बने, फोर, यानी कि उसका डबल, इसलिए इसका नाम क्या है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। एडवांटेजेस ऑफ लैप वाइंडिंग, दिस वाइंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज करंट एप्लीकेशन बिकॉज इट हैज़ मोर पैरेलल पाथ्स। क्योंकि हमने देखा कि इसमें मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स अपन बना सकते हैं, वो ज़्यादा पाथ होगा तो लार्ज करंट एप्लीकेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड है, इट इज़ सूटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर्स। जिन करंट जनरेटर्स में करंट की रेटिंग हाई और वोल्टेज की कम है उसमें हम लैप वाइंडिंग्स यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लैप वाइंडिंग, इट गिव्स लेस ईएमएफ कंपेयर्ड टू वेव वाइंडिंग। इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वह वेव वाइंडिंग अगर करेंगे हम आर्मेचर के लिए तो उसके कंपैरिजन में कम होगा। दिस वाइंडिंग रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स फॉर गिविन द सेम ईएमएफ। अब देखिए कि इसमें अगर आपने मान लो एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिए और ईएमएफ जनरेट हुआ है, और ईएमएफ वन की वैल्यू समझ लो, और वेव वाइंडिंग में अगर आपने उतने ही एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स लिए होते हैं और उसमें ईएमएफ जनरेट होता ई टू, और अगर मान लो कि वो ईएमएफ ज़्यादा होता, और अगर आप चाहते हो कि लैप वाइंडिंग को यूज़ करके भी अपन वेव वाइंडिंग के जितना ही ईएमएफ जनरेट कर पाएँ, तो उस केस में हमें लैप वाइंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स चाहिए, यानी कि इट रिजल्ट्स इन हाई वाइंडिंग कॉस्ट। ज़्यादा कंडक्टर्स होंगे तो वाइंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेकेंड डिसएडवांटेज है, इट हैज़ लेस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इन द आर्मेचर स्लॉट्स। आर्मेचर के स्लॉट्स में जो स्पेस है उसको अगर लैप वाइंडिंग करते हैं तो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाती। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसमें से लैप वाइंडिंग को ब्रीफली डिस्कस किया है और उसके दो टाइप्स सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग एंड ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग डिस्कस किया है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वेव वाइंडिंग।